सो अस्सलाम वालेकुम गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं इस तरह की कलर ग्रेडिंग के बारे में, इस तरह की आईफोन वीडियो एडिटिंग के बारे में जो कि एंड्रॉयड में की गई और कैपकट में की गई है। तो उसी का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेकर आए। अगर आप लोग टिकटॉक पर इस तरह की वीडियो बनाते हैं स्लोमो वाली या इस तरह के अपने फेस की वीडियो बनाते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी तरह का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का है, जिसमें आप लोगों को कलर ग्रेडिंग आईफोन जैसी वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। और जैसे आप लोगों को लगेगा कि एंड्रॉयड में आईफोन जैसे ही वीडियो है तो बिल्कुल उसी तरह आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बरवक्त पहुंच सके। तो गाइस इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों के पास कैप कट होगी उसको आप लोगों ने जो है वो ओपन करना है, ठीक है। ओपन जैसे आप लोग करेंगे इसके साथ आप लोगों ने प्रोजेक्ट यहाँ पे आप लोगों ने लेके आना है, जो आप लोगों की वीडियो होगी वो आप लोगों ने यहाँ पे लेके आनी है। लेके आने के बाद जहाँ पे देखें सिंपल वीडियो है बिल्कुल, आप लोगों को इसी पर कलर ग्रेडिंग करके दिखाऊंगा और लाइक आईफोन जैसी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से आप लोगों को प्रोजेक्ट ले आना है। प्रोजेक्ट लेने के बाद नीचे आप लोगों को यहाँ पे इस तरह स्क्रॉल करना है और राइट साइड पे आप लोगों को लास्ट में आप लोगों को एडजस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। आप लोगों ने अपने ब्राइटनेस अपने वीडियो के हिसाब से करनी है, यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ। नेक्स्ट आप लोगों ने कंट्रास्ट पे क्लिक करना है और इसको आप लोगों ने जो है वो प्लस करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना आप लोगों ने यहीं पे रहना देना है, ठीक है। इसके बाद सैचुरेशन है, सैचुरेशन आप ज़्यादा करेंगे तो आप लोगों का फेस बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, लिहाजा आप लोगों ने सैचुरेशन जो है 9-10 तक ही करनी है। इसके बाद आप लोगों के पास जो है वो एक्सपोज़र है तो एक्सपोज़र को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको -6 पर लेके आना है। इसके बाद शार्पन है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छेड़ना। इसके बाद आप लोगों के पास HSL है तो उसको आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ये बहुत ही अहम चीज़ है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लेना है। तो यहाँ पे HSL पे आना है, पहले पे आप लोगों ने पहले को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको +4 पे कर देना है। नेक्स्ट आप लोगों ने सैचुरेशन पे क्लिक करना है, सैचुरेशन को आप लोग ना छेड़ें तो बेहतर है, अगर चाहें तो प्लस थोड़ा सा आप लोगों ने कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखें HSL पे आप लोगों ने आना है, नीचे आप लोगों ने लिमिनेंस पे आना है, ठीक है, लिमिनेंस पे आना है और इसको आप लोगों ने जो है वो थोड़ा सा प्लस कर देना है 6 पर। नेक्स्ट आप लोगों ने, ये बहुत अहम है, इससे आप लोगों का फेस का ट्यून होगी, ठीक है, फेस आप लोग अच्छा इससे कर सकेंगे, ठीक है, फेस आप लोगों का क्लियर होगा, आप लोगों का फेस रेड नहीं होगा इससे, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। ह्यू को आप लोगों ने -7 पे कर लेना है, सैचुरेशन को आप लोगों ने -4 पे कर लेना और लुमिनेंस जो है इसको आप लोगों ने ज़्यादा करना है, ताकि आप लोगों का देखें यहाँ पर आप लोगों का फेस जो है वो बिल्कुल वाइट हो रहा है, तो इसको आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्लस कर देना है, ठीक है, ताकि आप लोगों का फेस प्लस हो जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने 30 पे कर देना है। नेक्स्ट आप लोगों का ह्यू है, इसको आप लोगों ने जो है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये आप लोगों ने 40+ कर देना है। सैचुरेशन है, सैचुरेशन को आप लोगों ने 30+ कर देना है, 35+। लुमिनेंस है, इसको आप लोगों ने जो है वो थोड़ा सा प्लस कर देना है, ठीक है, जैसे 15 कर देना है आप लोगों ने। इसके बाद HSL है में ह्यू है, इसको आप लोगों ने जो है वो ग्रीन है, इसको आप लोग जितना ग्रीन करेंगे उतनी आप लोगों की वीडियो ग्रीन होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेचर का शौकीन हूँ तो इसीलिए काफ़ी दोस्त इस तरह से होते हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको आप लोगों ने इस तरह से एडजस्ट करना है जिस तरह से मैंने, जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ग्रीनरी आप लोगों की ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके आप लोगों का जो आप लोगों के क्लॉथ होंगे, क्लॉथ का कलर होगा, इससे आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप लोगों ने वो जो है वो आप लोगों ने 37 कर देना है, सैचुरेशन जो है वो +8 कर देना है और लुमिनेंस जो है ये आप लोगों ने 11 कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट भी आप लोगों का जो क्लॉथ पर मबनी है तो आप लोगों ने इसको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कर देना है, ठीक है, इससे ज़्यादा और ज़्यादा आप लोगों ने नहीं करना वाला, आप लोगों को जो वीडियो की क्वालिटी है वो लो हो जाएगी। जो मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ इससे आप लोगों की वीडियो क्वालिटी बिल्कुल भी कम नहीं होगी, ठीक है। हाईलाइट पे आना है, इसको माइनस आप लोगों ने कर देना है 5 पे। इसके बाद शेडो है, इसको आप लोगों ने 4 कर देना है। प्लस आप लोगों ने टेम्परेचर जो है इसको आप लोगों ने -1 कर देना है और जो आप लोगों का ह्यू है इसको आप लोगों ने -2 कर देना है। इसके बाद आप लोगों का फेड है, इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना है। मैग्नीट्यूड है, इसको आप लोगों ने +5 कर देना है, 8 करना है, 10 से कम आप लोगों ने रखना है। तो यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा कलर ग्रेडिंग आप लोगों के सामने यहाँ पर हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें ये पहले वाले वीडियो थे और ये बाद
में कलर ग्रेडिंग करने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंजिंग आ चुकी है। इसको हम कर देते हैं फुल। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने एक फ़िल्टर लगाना है। इसके ऊपर आप लोगों ने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, फ़िल्टर पर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को मूवी या नेचर में आप लोगों को एक क्लियर वाला फ़िल्टर मिलेगा, उसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखें हमारे सामने क्लियर वाला आप लोगों के पास आ चुके हैं। यहाँ पर देखें जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को चेंजिंग नज़र आएगी। यहाँ पे देखें काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे देखें जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग। आप लोगों ने इसको 60 प्लस कर देना है, 60 कर देना है। यहाँ पे देखें इसके बाद अगेन आप लोगों ने यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि इतने ही रहे तो आप लोग यहाँ पे ही रहने दें और वीडियो को एक्सपोर्ट करें, वरना आप लोगों ने ब्राइटनेस को 1 कर देना है, आप लोगों ने सैचुरेशन को आप लोगों ने जो है 4-5 कर देना है, ठीक है। इस तरह से करेंगे आप लोगों ने यहाँ पे एक्सपोजर में आना है और इसको -1 कर देना है, HSL में आना है और आप लोगों ने सिंपल ग्रीन वाला सिलेक्ट करना है इफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं करना। आप लोगों ने इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है, पहले वाले को 10 कर देना है, दूसरे वाले को 20 कर देना है और लास्ट वाले को आप लोगों ने 5 कर देना है, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने जो सेकंड होगा आप लोगों का वो आप लोगों ने फेस टून पे करना है और इसको आप लोगों ने लास्ट वाले को लुमिनेंस को आप लोगों ने 10 प्लस कर देना है, ठीक है। आप लोग ग्रीनरी और चाहें तो वो भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो काम हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा अभी भी कलर ग्रेडिंग सही नहीं हुई तो आप लोगों ने अगेन एडजस्ट, तो जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का एडजस्ट जो 1 था इसके साथ साथ आप लोगों का एडजस्ट 2 भी आ चुका है, ठीक है। अब आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पर पॉलिश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग जैसे पॉलिश पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पर सैचुरेशन को सिलेक्ट करना है, इसको आप लोगों ने थोड़ा प्लस कर देना है 1 जैसे। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर वही ग्रीन सिलेक्ट कर लेना है और इसको आप लोगों ने अपनी वीडियो के हिसाब से बढ़ा देना है, प्लस करते जाना है। लुमिनेंस है इसको आप लोगों ने रहने देना है। इसके बाद या आप लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं या माइनस करना चाहे तब भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह ग्रीन को आप लोग जितना बढ़ाना चाहेंगे आप लोगों की वीडियो का कलर ग्रेडिंग इतना ज़्यादा होगा, आप लोगों की वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल भी डिक्रीज़ नहीं होगी। जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वही आप लोगों ने करना है। फेस ट्यून भी आप लोगों ने करना है। यहाँ पर देखें आप लोगों के सामने इस तरह से आ चुके हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट भी चेक कराऊँगा, वो भी वीडियो चेक कराऊँगा। यहाँ पर देखें इस तरह से हमारी वीडियो आप लोगों के सामने मुकम्मल बन के आ चुकी है। अब आप लोग इसको जो है वो एक्सपोर्ट करके टिकटॉक पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरह थोड़ी सी स्लो हो चुकी है क्योंकि काफ़ी इफेक्ट हम लगा चुके हैं। तो अब इसको हमने करना है जो है एक्सपोर्ट। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद अगर आप लोग कुछ और ऐड जैसे जो आप लोग इफेक्ट लगाना चाहें वो लगाना चाहें तो आप लोग लगा सकते हैं, वरना एक्सपोर्ट पे आप लोगों ने क्लिक करना है तो आप लोगों की वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को रिजल्ट भी दिखा देता हूँ कि हमारी वीडियो फाइनली यहाँ पे कैसे बयान के तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर देखें इस तरह से हमारी वीडियो आ चुकी है। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा और बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की वीडियो हमारी आ चुकी है। आप लोगों ने भी इस तरह से कलर ग्रेडिंग कर लेनी है तो यहाँ पे देखिए किसी किस्म का लो क्वालिटी नहीं है, तो आप लोगों ने भी इसी तरह से कलर ग्रेडिंग यही तरीका चूज़ के कर लेनी है, ठीक है, कर लेना है। तो गाइज आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।